Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Is chand pe daag nahi. Chand aafta ko saza zarur milegi, zarur. Ruki ruki. Pehle ye to bataye ki kaisi lag rahi ho main. Bahut khoobsurat. अगर मेरा सुहाग नहीं बचेगा तो इस घर में भी कभी खुशी के शादियाने नहीं बजेंगे। बीबा, औलाद तो हर चौधरी के घर में होती है, पर हमारे चौधरी साहब के घर में तो शहजादा पैदा होगा, शहजादा, और जो भी उसे देखेगा ना आशश कर उठेगा। आप क्यों परेशान होती हैं? निके काके के लिए आपका परेशान होना ठीक नहीं है जी। परेशान कैसे ना हो उसका, वहां मेरे बाप की मौत और जिंदगी का फैसला हो रहा है और मैं यहां खिदमतें बटोर रही हूं। बीबी सैन, आप मुझे मार पड़वाओगी। चौधरी सरकार ने कहा था कि इनका ध्यान उस तरफ बिल्कुल ना जाने दे, पर आप है कि हर वक्त वही बातें सोच रही हैं। दुआ कर सुखी, देवर जी ने बाबा साहेब के खिलाफ गवाही ना दी हो, नहीं तो सब तहस महस हो जाएगा। आप फिक्र ना करे जी, रब सोना चंगिया करे सी। बेबे सैन का फोन है, रब खैर करे। जी बेबे। क्या थिया बीबा, खैर तो है ना बीबा? बाबा साहेब, मैं बाबा साहेब ध्यान करिए, ध्यान ना ढाले पड़े बीबी। बाबा साहेब, मेरे बाबा साहेब, बीबी साहेब, मेरे बाबा साहेब, बीबी साहेब, आराम से। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बीबी साहेब। मैरीन, 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 क्या हुआ तुम्हें? मैरीन, मेरे बाबा साई को फांसी की सजा। मैरीन, मैरीन संभालो खुद को। मैरीन, क्यों किया, क्यों किया आपने मेरे बाबा साई के साथ ऐसा देवर जी, क्यों? बाबा साई कराए मेरी माँ को बेवा, क्यों ना बोले, क्यों ना बोले जब मेरे बाबा साई को फांसी की सजा सुनाई, क्यों ना बोले जिसने आप पर इतने एहसान किए। मामा साई, आपकी बेटी को बहू बनाया उन्होंने, आप लोग मेरी औलाद के एहसान में आकर ही मेरे बाबा साई को बचा लेते। मामा साई, आप लोगों ने जिनको मैं वारिस दे मुझे यतीम कर दिया मेरे अपनों ने मिलकर मुझे। मुझे यतीम कर दिया। अपने इंसाफ की किताब, आपका इंसाफ सिर्फ गैरों के लिए है देवर जी, आप लोगों के लिए सिर्फ मौत का सामान है, सिर्फ मौत का सामान है। बीबी कौन रखने वाले? देख लिया अपनी इज्जत का नतीजा? देख कर आया हूं बाबा साईं, देख कर आया हूं, और मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने जो सीखा, जो पढ़ा, उसी को इस्तेमाल किया है। आज के बाद कोई ऊंची नाक वाला जमींदार
किसी किसान हारी का खून नहीं बहाएगा। आओ आओ जमीला, घबरा क्यों रही हो? तुम्हारा अपना घर बेटिया, ये बात अपने लिए संभाल के रख। पता नहीं बहू किस मिजाज की है। अम्मा बहुत अच्छे मिजाज की है, नहीं यकीन तो तुम टेस्ट लेकर देख लो। चलो ना अम्मा से प्यार लो। कैसे? मेरा प्यार लेने के लिए मेरे आगे झुकना पड़ता है, तभी प्यार मिलेगा। हाँ हाँ झुको ना, अम्मा से सर पर शफकत का हाथ रखवाओ, बहुत जरूरी है ये। चलो क्या बात है बनो, मेरी तरह तेरी कमर के साथ छोड़ गई है? नहीं तो फिर झुको ना मेरे आगे। बैठो मेरे पास। अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें जैज में क्या क्या दिया है, सारी फेरिस्त बतानी हो। ये तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए अम्मा की तरफ से। चलो अब बता दो क्या क्या मिला है तुम्हें जहेज में। एक दफा 302 के तहत ये अदालत तेरे आफताब चौधरी को सजाए मौत सुनाती है, सजाए मौत। मानूमा तुम्हारी कमी मैं अपनी जिंदगी में बहुत शिद्दत से महसूस करता हूँ, और इस बार मैं इस कमी को पूरा करके जाऊंगा। तुम्हें जाना होगा और महरीन को वापस आना होगा। इस चांद पे दाग नहीं। इस चांद पे दाग नहीं। अच्छी दिखाए। वैसे इसमें तुम्हारी नाक कुछ टेढ़ी नहीं लग रही। अच्छा तो मेरी नाक टेढ़ी है, ठीक है तो फिर ये मोबाइल जरा इस टेढ़ी नाक के नीचे से निकाल के तो दिखाएं। मारो मोबाइल दो मेरा। जी नहीं। तुम कल बारात में क्यों नहीं आई थी? अम्मा घर पे अकेली थी, राही गई, इसलिए मुझे उनके साथ रुकना पड़ा। मैं भी तो तुम्हारे लिए इतनी दूर से आया हूँ, क्या तुम मेरे लिए नहीं आ सकती थी? मैं आना चाहती थी, तैयार भी हो गई थी, लेकिन फिर अम्मा ने मुझे रोक लिया, उन्हें जरूरत थी ना मेरी। अगर तुम चाची से नजर बढ़ाकर आगे देखो तो किसी और को भी तुम्हारी जरूरत है, तो सात समंदर पार तुम्हारे लिए आए। मुझे पता है राही, लेकिन अम्मा को कैसे मैं मना कर देती? इस बार मैं तुम्हारे मना करने से चाची की किसी बहाने करने पर भी नहीं रुक सकता। राही वो बहाना नहीं बनाती, वो माजूर है, मजबूर है वो। मानूमा मैं भी तो बहुत मजबूर हूँ, मुझे तो लगता है चाची अगर रुखसती के वक्त भी तुम्हारा हाथ पकड़ कर रोकेंगी ना, तुम तब भी रुक जाओगी, तब भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आएगा। मुझे लगता है कि रुखसती पे आपने मेरी गैर मौजूदगी को कुछ ज्यादा ही फील कर लिया, इससे कितना गुस्सा हो रहा है। मारुफ कितनी बड़ी हो गई ना, जब मैं गया था तो कितनी छोटी थी। कुछ ही तो साल हुआ आपको गए हुए, वैसी है। हाँ लेकिन उस वक्त देखा था तो काफी छोटी लगती थी, अब देखो अचानक से बड़ी बड़ी लगने लगी है, और नखरा भी आ गया इसमें। मारुफ मेरा मोबाइल दो। राहिल आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मानूमा तुम्हारी कमी मैं अपनी जिंदगी में बहुत शिद्दत से महसूस करता हूँ, और इस बार मैं इस कमी को पूरा करके ही जाऊंगा। मारुख मोबाइल दो मेरा, मुझे जाना है। मारुख ए
ए अम्मा कहाँ है तू? हाय मेरी अम्मा। क्या हुआ, क्या फैसला हुआ अदालत में? ए अम्मा, ए इतनी बेचैनी, इतनी बेकरारी क्यों? आज क्या लगता है चौधरी आफताब तेरा? मेरा? हाँ, तेरा। ये बेचैनी, ये बेकरारी तो बेबे सरकार पे जचती है। ए आफताब चौधरी से तेरा सारी तौर पे क्या रिश्ता? खिदमत गुजार और मालिक का भी कोई रिश्ता होता, पर तू नहीं समझेगा। तेरे दिल में तो हमेशा उनके लिए नफरत रही। इस नफरत की वजह है तू, तू। वरना आज मेरा भी शुमार इस हवेली के नमकवारों में होता। ये बकबक कहीं और जाकर कर तू। मुझे तो बस इतना बता दे, चौधरी साहब का क्या फैसला है? ये फैसला आया तेरे चौधरी का? ये चूड़ियां? ये चूड़ियां। ये अम्मा तुझे याद है ना, जब अब्बा बहुत खुश होता था तो तेरे लिए चूड़ियां लाता था। आज इस खुशी के मौके पे ये मैं अपनी अम्मा के लिए चूड़ियां लाया। अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र। मतलब चौधरी साहब बरी हो गए? ला ला पहना दे इसे। मैं तो इस खबर की आस में कब से बैठी थी। हे मेरी प्यारी अम्मा, ये तू जानती है तेरे लिए ये कांच की चूड़ियां क्यों लाया? क्यों? इसलिए कि जब चौधरी आफताब की लाश इस हवेली में आए तो मैं अपनी आंखों से देख सकूं कि तू इन्हें कैसे तोड़ती है। बड़ा घमंड है तुम्हें अपनी नफरत पे। तो ठीक, तू अपनी नफरत को आजमा और मैं अपने इश्क। हे चल ठीक है अम्मा, है मुझे तेरी कसम और तुझे तेरे इश्क चौधरी आफताब की कसम, जब तक तेरा इश्क फांसी ना चढ़ जाए तू उसे उतारेगी नहीं और ना मैं तुझे उतारने दूंगा। ए दफा 302 के तहत ये अदालत तेरे आफताब चौधरी को सजाए मौत सुनाती है। सजाए मौत, सजाए मौत, सजाए मौत। चल मस्तु, सजाए मौत। इससे बड़ा गम क्या होगा कि मैं नाज भाई के हाथों जुड़ी। वो भाई जिसने कुरान पाक के साए तले रुखसत किया था। दो टके के मजारों की खातिर मेरा सुहाग उजाड़ दिया। दुनिया की तारीख में ऐसा सफाक और जालिम भाई नहीं होगा जिसने अपने छोटे छोटे हकीर मजारों की खातिर अपनी मां जाई इकलौती बहन को बेबगी का लिबादा उड़ा दिया। बेबे, बाबा साईं भी ऐसा नहीं चाहते थे। तो तुम मेरे शौहर आफताब चौधरी को फांसी के लायक मानती हो? नहीं बेबे, मैंने ऐसा नहीं कहा।
तुम्हारा फैसला होना बाकी है नाजनीन, तुम जानती हो कि मैं अपनी जुबान से नहीं मुकरती, क्योंकि मेरी रगों में भी वही खून दौड़ा है जो तुम्हारे बाप की रगों में है। अब लिखी जाने वाली दास्तान कुछ मुख्तलिफ नहीं होगी, अब वही होगा जो मेरे साथ हुआ। लेकिन बेबी, आप मुझे यहां से नहीं निकाल सकते, मैं इस घर की बहू हूं, साजिद की बीवी हूं, और मुझे भी फूफा जान का उतना ही दुख है जितना कि आपको। लेकिन मुझे ये दुख तेरे बाप और भाइयों ने दिया। तुम भी तब तक इस हवेली में हो जब तक आफताब चौधरी जिंदा है। साजिद, तुम अपने बाप के कहे से हटोगे? अरे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने में तुम्हें कौन सी परेशानी घेर रही है? इसे उसी नजर से देख जिस नजर से इसके बाप और भाइयों ने मुझे अदालत में लाचार होते देखा था। तुम्हें जाना होगा और महरीन को वापस आना होगा। और हमारे बच्चे, आपने उनका क्या सोचा? दोनों की औलादें अपने अपने दादकों में पलेंगी, अब कोई रिश्ता जुड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि बेबे उजड़ चुकी है। बेबे, राहिल भाई पूरे 2 साल के बाद आए थे, और तुम हो कि अम्मा के पल्लू से सिलकर बैठ गई। कुछ चीजों में एहतजाज और जिद इंसान का हक होता है मालूमा। अम्मा को जरूरत थी मेरी, इसलिए मैं रुक गई थी। दुख है मुझे ना जाने का, लेकिन अफसोस भी नहीं है इतना ज्यादा। अफसोस तो राहिल भाई को हो रहा था, वो भी जमीला के घर पे। बेचारे इतने अफसरदा से बैठे हुए थे, कहीं से भी बाराती नहीं लग रहे थे। फिर मैंने ही उनका मूड ठीक किया। अच्छा, वो कैसे? डांस किया मैंने उनके साथ, वो भी बारात वाले दिन, और फिर उन्होंने भी खूब डांस किया। तुम लोग जब डांस कर रहे थे तो सिर्फ तुम लोग अकेले ही थे या बाकी लोग भी कर रहे थे डांस? सिर्फ हम दोनों ही थे, और फिर जहाँ मारूफ होगी वहाँ किसी तीसरे की जगह ही कहाँ बनती है। तुम्हें पता है, एक लड़की ना बहुत ही पागल थी, कहने लगी ये तुम्हारे वो है क्या? वो क्या भाई? तुम भी ना मानुमा, वो मतलब भैया नहीं, सैया। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं क्यों शर्म करूं, मैंने थोड़ी ना ऐसे कहा था। वो तो वो मोहल्ले की पागल लड़की थी जो अपने ही अंदाजे लगा रही थी, मुझे और राहिल भाई को जोड़ी समझ रही थी। तो तुम्हें उसको वहीं पे ठीक से समझाना चाहिए था ना कि ऐसी बात नहीं है। मेरे पास इतना फालतू का दिमाग नहीं था कि मैं अपना सर खपाऊं। और वैसे भी ना मैं ना उसे जेलस करना चाहती थी, ये बताना चाहती थी कि दुबई से आए हैं मेरे वो। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए तुम्हें मारो। मैं क्यों शर्म करूं, शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए, वो भी राहिल भाई से, क्योंकि अगली बारी तुम्हारी है। सच पूछो तो मालूमा, कितना मजा आता होगा ना दुबई की सैर करके। तुम्हें ना अम्मा की दुआएं लग गई हैं, अरबों के तख्त पे अपना बख्श सजाओगी तुम। Thank you.
अल्लाह तेरा तख्त बख्त करे, अल्लाह तुझे महलों में राज कराए, मलकाओं की तरह राज करे तू। ऐ लोग तेरी नजर के लिए तरसते रहे, तू खुश रहे, आबाद रहे। ऐसे क्या खड़ी है, आमीन तो बोल। दुआ आपने की है तो आमीन भी आप ही बोलते। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा बेटा, अब तू जाके नाश्ता बना दे और मेरा सारा काम ना बहू को सिखा दे। मेरा ओढ़ना बिछोना खाना पीना हर चीज उसे अच्छी तरह समझा देना। अभी मैं उसको क्या उठाऊं जाकर, आराम करने दे उसे। इतने अरसे से तूने कमा कर मेरी खिदमत की है, अब तो तेरे आराम करने के दिन है ना। बस तू जा, जाकर उसे उठा और आज ही आज सारी जिम्मेदारी उस पे डाल दे। अरे वो राहिल आया बैठा है, हफ्ते दो हफ्ते में तेरी डोली ले जाएगा। जहेज तो उसने लेना नहीं है और वैसे भी हमारे हालात तो उसे पता ही है। अम्मा कितना बुरा लगेगा कि मैं उसको आज ही किचन में जाके खड़ा कर दूं, तो अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं उसके। अरे बेटी का बुरा लगता है, बहू का नहीं। बस खीर में हाथ लगवा दे और शाम तक उसे सब कुछ समझा दे। चलें ठीक है, कह देती हूँ। हाँ और नहीं तो क्या, हम लाए इसीलिए उस गुर्बत भरी थाली को। मानू माँ इसको मेरा काम सिखा दे, फिर तेरी दुल्हन है तू ले जाना। ये अब किस बात का पछतावा नहीं मुझे, तूने अपनी औलाद को ठुकरा कर अपने चौधरी को अपना लिया। तुम्हारा शौहर भी कातिलों में से है, तुम्हें वापस आना होगा महरीन, ये मेरा हुक्म है, तुम्हें वापस आना होगा। इस चांद पे दाग नहीं। इस चांद पे दाग नहीं। चाची आपसे दरअसल एक बात करनी थी, मैं रिश्ते की बात करना चाह रहा था। थैंक यू। राहिल भाई मुंह दिखाई देते हैं? हाँ श्योर, क्यों नहीं। ये ले। अरे बन्नो अब आगे भी बढ़ो, सारी मुंह दिखाई राहिल से ही बटोरो की। अरे बेटा खाओ खीर खाओ, पहले मुझे उठाओ तो सही। मुझे क्या पता आपको कैसे उठाते हैं। क्यों तुम्हारे हाथ ते ही हैं, या कभी तुमने अपनी माँ को सहारा नहीं दिया। अरे 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 क्या कर रही है, अरे अरे क्या कर रही है, कैसे तोड़ेगी मुझे, देख रहे हैं। चाची चाची आप ठीक तो है ना। हाँ बेटा ठीक हूँ। मानो तुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस पे, इन तिलों में तेल नहीं है। चाची आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं बारात कब लाऊं। हाँ हाँ अब तेरी तो बारी है, बस कुछ दिन मानू माँ इसको मेरा काम सिखा दे, फिर तेरी दुल्हन है तू ले जाना। जी अब खड़ी क्या है, ला मुझे खीर दे, मैं भी तो देखूं कैसी पकाई है। खा तू खा।
चौधरी साहब, इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आप इन्हें हर टेंशन से दूर रखें और ये दवाएं आप देते रहें इनको। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की सूरत में इनको हॉस्पिटल दाखिल करवाना होगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी मुझे फूफा जी का बहुत दुख है। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ ये सब हो, पर जो कुछ भी हुआ वो उनके अपने कर्मों की सजा है जो आपने दी। आप क्यों खुदा बन गए हमारे? क्यों? खुदा नहीं बन रहा भाभी, सिर्फ उन गरीबों के साथ इंसाफ करना चाहता था जिन्होंने अपने जवान ना हक गवा दिए। हमें सजा देकर मेरी बीबी सहन को बेवा करके इंसाफ हो गया आपका देवर जी? कातिल को सजा भी मिल गई, अब तो खुश है ना आप? हो गई तस्कीन आपकी? अब ये नदामत कैसी है? नादिम नहीं हूं भाभी, पर ना ही कोई पछतावा है। मैं सिर्फ आपके लिए परेशान हूं। मेरे लिए परेशान मत हो, जाइए अपने गरीब मजारों के साथ जाकर जश्न मनाइए। हम जिए या मरे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जाइए, चले जाइए यहां से। आपको देखकर मुझे मेरे बाबा सर फांसी के फंदे में नजर आते। भाभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप जाइए, चले जाइए, खुदा का वास्ता है, चले जाइए यहां से। मैं नहीं गिन सकती वो दिन रात जो मेरे बाबा साहब इनकी तरफ बहुत के पंजों की तरह बढ़ रहे। भाई साहब आप तो सब जानते हैं, आपको तो पता है कि मेरी गलती नहीं है। गलती आपकी नहीं, हमारी है। काश कि आपसे खून का कोई रिश्ता ना होता तो हम आज बैठे किसी गैर को कोस रहे होते। अगर अफसोस तो सारी जिंदगी अपने बाप के कातिल को देखकर गुजारनी पड़ेगी। मैरीन, और इस जिंदगी से तो मौत ही अच्छी। मेरीन संभालो खुद को, ऐसी बातें तो ना करो जो तुम्हें मुझसे दूर कर दे। यही सोचकर तो खून खौल रहा है मेरा कि अब आपसे दूरी हो जाएगी। क्यों? आप बीबी सैन को नहीं जानते, वो चुप नहीं बैठेगी, वो मुझे यहां से ले जाएगी। मस्तू, ओ मस्तू, उठ। छोड़ना अम्मा, सोने दे। खीर नहीं खाएगा? ये देख, मैं तेरे लिए खीर बनाकर लाई हूँ। खीर? मेरे लिए? मेरे लिए बनाकर? तू मेरा प्यारा बेटा है ना, ले खा। अरे वाह अम्मा, क्या बात है तेरी। अच्छा सुन, जब चौधरी साहब वहां अकबर चौधरी की जमीनों पर गए थे तो क्या गैबात उनके साथ था? हाँ ना अम्मा, उस्ताद ने ही तो बताया था चौधरी साहब को कि उनकी जमीनों का पानी चोरी हो रहा है। अच्छा तो फिर क्या? अम्मा चौधरी साहब ने कहा कि वो अकबर चौधरी से बात करेंगे, तो फिर उस्ताद ने कहा कि अकबर चौधरी भी इस पानी की चोरी में मुलव्वज़ है और अपने मजारों को खुद पानी चोरी करने का कहता है। तभी तो अम्मा इस बार अकबर चौधरी की फसल बहुत अच्छी हुई है और अपने चौधरी की फसल जल गई। ए मस्तू, उस्ताद ये देख खीर।
अम्मा ने बनाई है मेरे लिए। तो तूने ये आग लगाई है? और मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया अम्मा। कल तक तो हवेली में छोटी मोटी चोरियां करता था और आज आज मालिक पर नजर पड़ गई। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा, बोल। हे अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, सच बोला सच। नहीं, तुमने चौधरी साहब के दिल में बुराई डाली। तू अच्छी तरह जानता था कि वो गुस्से में आकर कत्ल करने से नहीं रुकेंगे। तुमने उनको झूठा उकसाया है। ये सच्चा उकसाया चौधरी को। वो चौधरी अकबर वाले पानी चोर हैं। ये बात क्यों इतनी नफरत करता है, क्यों? ये अपनी अम्मा की वजह से। ये मैं नहीं देख सकता कि मेरी अम्मा रातों को छुप छुप के रोए। हट परे, ये सब तूने जानबूझकर किया है। तू नफरत करता है चौधरी साहब से। हाय, ये सारी तबाही तेरी वजह से हुई। तू जिम्मेदार है, तुझे सजा होनी चाहिए। हाय अम्मा, ये तू चाहती है मुझे फांसी हो जाए, ये तेरे लाल को। हाँ, अगर तुझे फांसी चढ़ाने में चौधरी साहब की जान बख्शिश होती है ना, तो मैं तुझे खुशी खुशी फांसी चढ़ा देती। अपनी औलाद को? हाँ। ये अपने बेटे को? बोल रही हूँ ना, हाँ हाँ। बात अच्छा की अम्मा जो तूने मेरी आंखें खोल दी। ये अब किस बात का पछतावा नहीं मुझे, तूने अपनी औलाद को ठुकरा कर अपने चौधरी को अपना लिया। माँ के कदमों तले जन्नत है। अच्छा, ब्रेक हो गई है, ब्रेक के बाद ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है? चलो अभी भाग जाओ सारे, जल्दी आने वापस। चलो 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 चलो, कमॉन कमॉन, किसी को भी देर नहीं होनी चाहिए। आहो जी, इस मुस्कुराहट के पीछे क्या छुपा है मानुमा जी? अब मुस्कुराना कोई जुर्म तो नहीं है, वैसे भी हंसी सकते हैं। मेरी तरफ से तो नहीं, हाँ लेकिन अपनी अम्मा से परमिशन ले लेना। वैसे आज क्या हुआ, तुम अभी तक घर नहीं गई? आज अम्मा की सफाई नहीं करनी? नहीं करनी थी। क्यों, खैरियत तो है, जिंदा है कि? शर्म करो अंबर, ज़रूरत थी अम्मा को मेरी, इसलिए रुक गई थी। हद हो गई, एक ही भाई है तुम्हारा, मैं तो यही देखती रह गई हमारे पीछे ही आ जाओगी, मगर तुम आई नहीं। चलो अब राहिल आ रहे ना, इसके बाद तुम्हें मेरी शादी पर आना होगा। आओगी? इंशाल्लाह, क्यों नहीं, मेरी इतनी प्यारी सहेली की शादी है, मैं तो ज़रूर आऊँगी। वैसे डांस करोगी मेरी शादी पर? ऐसा वैसा, तुम्हारी उस माही की छुट्टी कर दूंगी, और वैसे भी वो बहुत चिपक चिपक के डांस कर रही थी राहिल भाई के साथ। राहिल उसको बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह समझती। पता नहीं, तुम्हारी बहन के हर अंदाज में अदा है। राहिल बहनोई है उसका, वो जानती है इस बात को। हाँ, आदत की थोड़ी शोखी है, वो तो सभी को पता ही है। हाँ, सालियाँ तो अदाएं दिखाती हैं, बस दुआ करो कि ये अदाएं सजाएं ना बन जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा भाई, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं कैंटीन में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। पेट भर गया मेरा, पूरा छन्ना खा और खा के सच बता, बोल। ताल सच में मुझे उल्टी हो जाएगी, लो थोड़ा तुम भी खा लो। आला पोसा तुझे सारी जिंदगी मैंने, और सगा बनता है तू अम्मा का। भूल गया, भूल गया क्या क्या किया है अम्मा ने हमारे साथ?
अम्मा मेरे लिए बड़े प्यार से खीर बना के लाई थी। और तूने प्यार से सब प्यारी प्यारी बातें बता दी उसको। बात गलती हो गई, माफ कर दे मुझे। पूरा छल्ला खा ताकि खाने के बाद जो सच बोलने की तेरी आदत है ना, तेरे दस्त के जरिए हमेशा निकल जाए। मेरा पेट। पूरा छन्ना खा, नहीं तो सारा छन्ना एक साथ उडल दूंगा तेरे मुंह में। खा, 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 और खा, और खा। मारुख मारुख बात सुनो, अम्मा बुला रही हैं, जाके उनकी बात सुनकर आओ जल्दी से। मानू माँ, मैं कैसे जाऊँ, देख नहीं रही, मुंह पे मास्क लगा हुआ है। मुझे पता है तुमने मुंह पे मास्क लगाया हुआ, अपने हाथों या पाँव पे नहीं लगाया हुआ, जो चल के जा नहीं सकती। बुला रही हैं जाके सुन लो, मेरे पास बहुत काम है, कल रिजल्ट है, मुझे ये ख़त्म करना है आज। भाई मैं नहीं जा रही, अम्मा को बहुत पसीना आता है, मुझसे ये सब काम नहीं होते। अरे जमीला, अरे कोई तो मेरी बात सुन ले। जाओ जाके जमीला को बुला के लेकर आओ। खुद ही चली जाओ भाभी बेगम को कहने, वैसे भी सारा दिन कमरे में कमर सीधी करे पड़ी रहती है। जमीला, जमीला एक सेकंड बात सुनो जरा। हाँ बोलो। जमीला वो अम्मा बुला रही है, उनको कामों का, प्लीज जाके बात सुनाओ। तो तुम कर लो ना, जब तक शादी नहीं हो जाती। इस घर के सारे काम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना, मैं तो कोई हर वक्त तो तुमसे नहीं कहती हूँ, अभी मुझे बहुत काम है, जाके सुन लो बात उनकी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तौबा तौबा, इतनी गंदगी तो तुम ही साफ करो, मुझसे नहीं होगी। आजकल की लड़कियों के नखरे तो देखो, खुद तो जैसे खुशबूएं बिखेरती है। अरे मां नमा, अब तू ही आ जा कमबख्त। माही, अरे अल्लाह, मैं मर क्यों नहीं जाती। आ रही हूं अम्मा। बेबी सेन, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं भी तुम्हारी माँ हूँ मैरीन, और जैसे तुम्हें तुम्हारी औलाद प्यारी है, मुझे भी तुम वैसे ही प्यारी। लेकिन मैं अपने शौहर का घर छोड़कर नहीं आऊँ। तुम्हारा शौहर भी कातिलों में से है, तुम्हें वापस आना होगा मैरीन, ये मेरा हुक्म है, तुम्हें वापस आना होगा, वो भी कल। नरीन, मेरी बात तो सुन। नरीन, ये खून का मैं महरीन।
चांद पे दाग नहीं। इस चांद पे दाग नहीं। आफताब चौधरी, तुम्हारे छिन जाने के बाद मेरा दिल करता है कि मैं जन्नतगढ़ को आग लगा दूं। ये क्या है शमूर? ये यहाँ से जाने की निशानी है। बेबे, उसका बहुत खून बह गया था, उसे हॉस्पिटल लाए हैं। ये खिड़की के बाहर ना मुनकर नकीर खड़े हैं, तुम बस आंखें बंद करके ना नियत कर लो। अब मलकुल मौत अपने हमशक्ल के सामने आकर डरने से तो रहा। कैसी जबान तेज चलती है इसकी। तुम देख रहे हो ना, तबीयत पहले नहीं सही है उनकी, क्यों जबान लड़ा रही हो? जाओ यहाँ से। कोई चौधरी नहीं बचेगा, नस्लें बर्बाद कर दूंगा नस्लें। अपने गुस्से की आड़ में मेरे बेटे को मत घसीटो।